जौनपुर के साहगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में पति पत्नी की मौत बताई जा रही है। 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। सड़क किनारे अलाव तापते समय हुआ है हादसा। पुलिस शव को पोस्टमार्टम भेज मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। सरपताहा थाना क्षेत्र के सुईताकला गाँव के पास हुआ है हादसा। बताया जाता है कि साहगंज में लखनऊ बलिया राज मार्ग स्थित रामनगर चौराहे पर शनिवार सुबह भीषण सड़क हादसे में सड़क किनारे अलाव ताप रहे लोगों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी की मौत हो गई है। हादसे में अलाव ताप रही एक अन्य महिला और उसकी बेटी भी घायल बताई जा रही है। स्कॉर्पियो चालक ने चारों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया और इसके बाद वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र स्थित पहली पार गांव निवासी रामनयन गौतम अपनी पत्नी असरफी देवी के साथ शुक्रवार को सुईथा कला स्थित अपने ससुराल आए थे, जहां वरक्षा का कार्यक्रम था। शनिवार सुबह दोनों पति पत्नी घर वापस जाने के लिए बस पकड़ने लखनऊ बलिया राजमार्ग स्थित रामनगर चौराहे पर पहुंचे। वहां अलाव जल रहा था। अन्य राहगीरों के साथ पति पत्नी भी अलाव तापने लगे। इसी दौरान यह हादसा हो गया और इस हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि उसी वक्त सुल्तानपुर की तरफ से तेज रफ्तार आ रही अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने अलाव ताप रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में रामनयन और असरफी देवी के अलावा अलाव ताप रहे नरवारी निवासी शकुंतला और उनकी बेटी बुरी तरह से घायल हो गई है। घायल शकुंतला ने बताया कि हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक ने स्थानीय लोगों की मदद से चारों घायलों को गाड़ी में लादा और साहगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में छोड़कर फरार हो गया। यहां डॉक्टरों ने रामनयन और असरफी देवी को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर भी बताया। फिलहाल पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर स्कॉर्पियो चालक की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला साहगंज कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। आप भी देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को नारद रिटर्न न्यूज पर। बहन बहनों क्या हुआ था पूरा बताइए। ये गए बरछा था, वहाँ गए थे सुईथा में, वहाँ आर एस गुडस्तर के दुकान के सामने तपनी ताप रहे। एक कैरेटी वाला आया, धक्का मार दिया और दोनों खत्म। अच्छा, घटना किस जगह का है, किस गांव का घटना, कौन गांव? घटना है सुईथा कला का। अच्छा, सुईथा कला ना है। और कुछ कोई घायल भी है? घायल तो घायल है। अच्छा, पुलिस पहुंची थी मौके पे? सर वहाँ वो कुछ गाड़ी वाला ही लेकर आया, उसके बाद छोड़ के भाग गया। गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं? अभी पकड़ी नहीं, नंबर लौट गया। दो लोग की मौत है? दो मौत है, दो घायल है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम वासुदेव। मृतक क्या पति पत्नी है? हाँ, पति पत्नी है।